राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से सियासी पार्टियों में हलचल बढ़ गई है। बीजेपी ने सोमवार को प्रदेश के 41 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसके बाद अब टिकट के दावेदार बीजेपी नेताओं ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर के राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, उन्होंने 41 उम्मीदवारों को टिकट दिया है और 82 लोग इसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। ये बीजेपी की लिस्ट का हाल है। 41 को टिकट दिए है और 82 लोग उनके बगावत में उतर गए हैं। ये तो है भाजपा की लिस्ट का हाल। हमने हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन साहब और दोनों मेंबरों के साथ में जो कैंडिडेट सिलेक्शन है उसके बारे में 1-to-1 हमने चर्चा की है और अब हम प्रदेश इलेक्शन कमेटी की जल्दी बैठक करेंगे, फिर उनको हम लोग हमारा पैनल सौंपेंगे पीसी का, और फिर प्रोबेबिलिटी 1-2 दिन बाद में जब कभी भी इनको समय मिलेगा ये राजस्थान आकर के स्क्रीनिंग कमेटी की फाइनल बैठक करेंगे, और फिर फाइनल बैठक करने के बाद में वो सीसी में लेकर के आएंगे और सीसी की बैठक होने के बाद में पटियाला कमान कैंडिडेट की घोषणा करेगा। ये एमपी में फेल हो गए, एमएलए में भी फेल होंगे, उनको इसलिए उतारा है कि उनकी बिल्कुल एंटी कम्बेंसी है, वो अब दोबारा कभी एमपी जीत नहीं सकते, तो एमएलए में हार जाएंगे तो उनको उनकी टिकट काटने में आसानी हो जाएगी। ये फार्मूला बीजेपी ने अपनाया है। सर, आज की बैठक में क्या कुछ मुख्य सीटें हैं जिनको लेकर आप चर्चा? नहीं, ऐसे नहीं, जनरल चर्चा हुई है, क्योंकि जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी तभी प्रमुख बातें होंगी। जनरल फीडबैक जो हो रहा है, नवरात्रि से पहले जारी हो जाएगी। नवरात्रि से पहले कहते आए थे कि हम जल्द जारी करेंगे क्योंकि बीजेपी कर चुकी है और आप लोगों की वो बीजेपी बीजेपी ने भी अपनी सीसी करने के बाद में तकरीबन 14-15 दिन बाद में वो सूची कर पाए थे। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम हमारी सीसी के तुरंत बाद में सर आपके पास सूची जारी करेंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का अभी तक ऐलान नहीं किया, इसको लेकर के तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही। उम्मीदवारों की सूची को लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, हम लोगों ने उम्मीदवारों के चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और दोनों सदस्यों से चर्चा की है। इस संबंध में जल्द राज्य चुनाव समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस उम्मीदवारों के चुनाव पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसको लेकर के अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, 18 अक्टूबर तक जब सीईसी की मीटिंग शुरू होगी तब इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।